दोस्तों फाइनली कल एसएससी सीएचएसएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जितने भी लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है और इस बार सिलेक्शन उठा लिया है, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा जितने भी लोगों ने इस बार अपनी मेहनत से सिलेक्शन फोड़ा है, और जिन लोगों का अनफॉर्चुनेटली इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट डिमोटिवेट नहीं होना। अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सारी आएंगी, आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा है। फुल पॉजिटिविटी के साथ, फुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। डिमोटिवेट होके बिल्कुल भी नहीं बैठना है, मेहनत करते रहिए। तो चलिए दोस्तों पूरे रिजल्ट को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो फाइनल कट ऑफ बनी है ना, ये आपकी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज बनी है। तो देखते हैं कि इस बार का रिजल्ट क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों पहले कुछ इंपोर्टेंट डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3242 थी। हालांकि जब नोटिफिकेशन निकला था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4500 थी, लेकिन उसके बाद वैकेंसी घटके 3242 ही रह गई थी। टोटल फॉर्म अप्लाई होते हैं 32,35,474, ठीक है। टियर फर्स्ट एग्जाम होता है, उसके लिए टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं 40,224, मतलब 40,224 कैंडिडेट टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो कि आपका 26 जून को हुआ था। क्लियर है? तो फाइनली 26 जून को जो टियर सेकंड एग्जाम हुआ था उसकी ये कट ऑफ है। कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को किस कैटेगरी से क्वालिफाई किया गया है, फाइनली सिलेक्शन दिया गया है। देखिए दोस्तों टोटल 3242 वैकेंसी थी, तो 3242 कैंडिडेट को ही सिलेक्शन दिया गया है। जनरल कैटेगरी से टोटल 1409 कैंडिडेट को सिलेक्शन मिला है। ओबीसी कैटेगरी से टोटल 770 वैकेंसी थी और 770 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्शन मिला है। एसटी कैटेगरी से 234 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला है। एससी कैटेगरी से 483 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से टोटल 346 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला है। तो ये आपका डेटा रहा है। अब फाइनली बढ़ते हैं कट ऑफ के ऊपर डिपार्टमेंट वाइज। देखिए दोस्तों कट ऑफ आपके सामने है कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ देखेंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंट देख लेते हैं। सबसे टॉप ट्रेंडिंग डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले सीबीआई की कट ऑफ को चेक करते हैं कि भाई सीबीआई डिपार्टमेंट की कट ऑफ क्या रही है। यहां पर देखिए, यहां पर पोस्ट कोड दिया हुआ है, पोस्ट नेम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिया है। यह है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट थी इस डिपार्टमेंट के अंदर। इस का पोस्ट कोड है L04, मतलब हमें L04 पोस्ट कोड की कट ऑफ चेक करनी है कैटेगरी वाइज, क्योंकि ये सीबीआई डिपार्टमेंट की कट ऑफ है, ठीक है। तो L04 ये हमारा यहां से यहां तक का सीबीआई डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसकी कट ऑफ देखते हैं, ये हमारी कैटेगरी लिखी हुई है और ये अलॉटमेंट्स है, मतलब कितने कैंडिडेट को अलॉट की गई वो वैकेंसीज, ठीक है। तो L04 सीबीआई की पोस्ट है। सीबीआई डिपार्टमेंट में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 301 रही है, और आपको बताया टियर फर्स्ट एग्जाम कितने मार्क्स का था? 360 मार्क्स का था, मतलब फाइनल कट ऑफ 360 मार्क्स में से आपकी बन रही है। तो अगर आपको सीबीआई डिपार्टमेंट चाहिए तो जनरल कैटेगरी से आपके मार्क्स 301 से ज्यादा होने चाहिए आउट ऑफ 360 मार्क्स, ठीक है। तो कट ऑफ काफी बढ़िया गई है। सीबीआई डिपार्टमेंट सबसे टॉप ट्रेंडिंग डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा लोग इसी डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, सबसे हाई कट ऑफ हर साल इसकी जाती है। सीबीआई डिपार्टमेंट में ओबीसी की जो कट ऑफ रही है वो 297 रही है। सीबीआई डिपार्टमेंट में एससी कैटेगरी की कट ऑफ 278 रही है आउट ऑफ 360 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 296 रही है, और एक्स सर्विसमैन की भी देख लीजिए 360 में से 229 मार्क्स कट ऑफ रही है सीबीआई डिपार्टमेंट की। तो कट ऑफ अपने आप में काफी अच्छी गई है आउट ऑफ 360 मार्क्स में से। अब कुछ और टॉप ट्रेंडिंग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके बाद काफी जो इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। इसका L07 देखना हमें। एलडीसी की पोस्ट, जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट की ये पोस्ट है, ठीक है। L07 की कट ऑफ हम देखते हैं। L07 ये आ गया हमारा L07, ठीक है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारा सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट है। तो भाई सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 360 मार्क्स में से वो 296 कट ऑफ गई है, साथ ही ओबीसी कैटेगरी की 297 कट ऑफ गई है। वहीं पर अगर हम बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की 279 कट ऑफ गई है और एसटी कैटेगरी 268 मार्क्स कट ऑफ गई है 360 में से। ये हमारा सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए। कुछ और इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट देख लेते हैं, जैसे कि हां L10
कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की कट ऑफ देखते हैं एलडीसी और जूनियर सेलेक्टेड असिस्टेंट के लिए। L10 की कट ऑफ देखते हैं, डिपार्टमेंट है हमारा L10। ऐसे आपको चेक करना अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया। देखिए दोस्तों, इसमें केवल ओबीसी कैटेगरी से वैकेंसी थी, ठीक है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी से। तो ओबीसी से 295 कट ऑफ है और जनरल कैटेगरी से 296 कट ऑफ रही है। कौन सा डिपार्टमेंट था हमारा, ये कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट था, ठीक है। और कुछ डिपार्टमेंट देखते हैं, जैसे कि चलो सीधा आईबी देखते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये रहा हमारा आईबी। L25 लास्ट में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर L25 यानी कि L25 की कट ऑफ हमें चेक करनी है। L25 ये देखे दोस्तों, L25 ये है हमारा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट, जिसके अंदर एलडीसी और जूनियर सेलेक्टेड असिस्टेंट की पोस्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ गई है 360 में से, वो 291 कट ऑफ गई है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है आईबी डिपार्टमेंट के अंदर 289 कट ऑफ गई है। साथ ही एसटी कैटेगरी की 256 कट ऑफ है, एससी कैटेगरी की 268 कट ऑफ रही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो 288 कट ऑफ गई है। मतलब कट ऑफ काफी ठीक ठाक गई है, क्योंकि लास्ट मूवमेंट पे आके यार इन्होंने वैकेंसी कम कर दी। 4500 वैकेंसी थी, अगर 4500 वैकेंसी भरी जाती तो डेफिनेटली कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, लेकिन इन्होंने वैकेंसी यहां पर 3200 के आसपास कर दी, तो यह चीज अच्छी नहीं हुई है। एक आधा और डिपार्टमेंट देख लेते हैं, जैसे कि हमारा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, L18। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए L18 है हमारा, ये आ गया L18, ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें अगर हम देखें, जनरल कैटेगरी कट ऑफ 291 है, ओबीसी की 290 है, एसटी कैटेगरी की 260 है, एससी कैटेगरी 270 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 295 है। कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा लीजिए, कोई भी आप मिनिस्ट्री उठा लीजिए, कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, उसी के इर्द गिर्द है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जनरल की 291 है, दूसरा आप डिपार्टमेंट उठाओगे तो वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है, 10-12 मार्क्स का डिफरेंस नहीं आ रहा। हाँ, सीबीआई की कट ऑफ थोड़ी सी हाई है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है, ठीक है। ये हमारी सीबीआई डिपार्टमेंट की कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है, 296 मार्क्स गई है ईडब्ल्यूएस की, और जनरल कैटेगरी 301 मार्क्स, जो कि अपना पे काफी अच्छी है। तो दोस्तों, आप खुद भी ये रिजल्ट चेक कर सकते हो। ये देख लीजिए, ये जो पीडीएफ है ना, ये जो कट ऑफ वाला पीडीएफ है, रिजल्ट का पीडीएफ है, वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने डाल दिया है। उसमें आपको पोस्ट कोड वाइज वैकेंसीज की डिटेल मिल जाएंगी, साथ ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ की डिटेल मिल जाएंगी, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं और किस पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी कट ऑफ यहां पर गई है, ठीक है। कौन सी पोस्ट का क्या, कौन से डिपार्टमेंट का क्या मतलब कोड है, वो आपको इसी पीडीएफ में नीचे मिल जाएगा। यहां पर सारी जानकारी दे रखी है, ये देखिए, नीचे जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, ये देखिए पोस्ट नेम है, पोस्ट कोड है, साथ ही डिपार्टमेंट है, किसका क्या कोड है, ये सारे डिपार्टमेंट्स नीचे ही दे रखे हैं, ठीक है। तो आप खुद रिजल्ट को चेक कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया। और हाँ, फाइनली कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए एक और मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वीडियो सेक्शन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में। ये है भाई सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ये तो फाइनल में होता है। इसमें आपको अपना नाम चेक करना है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, रोल नंबर है, आपका फादर नेम है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उनकी ये पूरी लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, 67 पेज की है, और इसमें अपना खुद का नाम चेक कर लीजिएगा। यहां पर आपको पता चल जाएगा कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं। तो भाई फिर से जिन लोगों ने सिलेक्शन उठाया अपनी मेहनत से, उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, ऐसे ही फोड़ दे रहे हो। और आपके फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब आप किसी बड़े डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर जॉब करोगे तो यार आपका फ्यूचर बढ़िया रहे, ठीक है, बढ़िया आप काम करो और बढ़िया ग्रोथ आप करते रहो, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज है, इस बार का ये रिजल्ट रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फाइनली 2023 वाला एग्जाम चला हुआ है, उसके लिए मेहनत करें। जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुए, 2024 में भी वैकेंसी आएंगी, शुरुआत में ही आ जाएंगी। एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा एसएससी 2024
कि वैकेंसी कब कब आएंगी, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कब कब आने के चांसेस और कितनी कितनी वैकेंसी है, 2024 में वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है। तो चिंता मत करिए यार, प्रिपरेशन करते रहिए, जो भाग्य में है वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। जो लोग ये सोच रहे ना, मैं रात से ही कमेंट पढ़ रहा हूं कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूं, मैं कुछ और करूंगा, गोल चेंज मत करिए यार, आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है, इसलिए इस बार आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली होगा। मेहनत करते रहिए, अपनी तरफ से ढील मत दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, रिजल्ट पसंद आया हो, लाइक करेगा दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिएगा, जिनको अभी तक नहीं पता वो भी अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।